गाइस यहाँ पे सुबह का आगाज़ हो गया है और हम बनाने लगे हैं नाश्ता। तो पहले अभी हम बेडशीट सही कर रहे हैं, तो बेडशीट सही करके फिर ये लीज़ा सही करी है। लीज़ा पेपर दे के आ गई है, अब हम करेंगे नाश्ता, तो फिर बाद में ना बाकी घर का काम करेंगे। अभी हम जा रहे हैं बाहर, बाहर ना हल्की सी आज धूप निकली हुई है, तो अभी बारिश हुई थी सुबह की बारिश आज अल्लाह शुक्र अल्लाह का के रुकी है, और आज ना हल्की बारिश हो रही है, धूप निकली है हल्की सी आज सुबह की। तो यहाँ पे मैंने भी पेड़े बना लिए पराठे के, और घी मैंने डाल लिया था 1 किलो, और बस अब चूल्हा जलाते हैं तो नाश्ता बनाते हैं। इधर बन गया है मज़े मज़े के पराठे, और इधर मम्मा है हमारे, अंदर हम नाश्ता करने लगे हैं। सही नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो धूप पड़ रही है ना। नाश्ता करते हैं फिर आपको बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय। इधर होने लगी है फ्रिज साफ, ये देखिए सारा सामान निकाल लिया फ्रिज में से। उस दिन भाभी ने मैंने साफ की थी, आज भाभी साफ करने लगी है। इधर मेरी हुई है रात से तबीयत खराब, मेरे गले में दर्द है बड़ी, जुकाम हुआ है। रात को ना वो हमारे ना इधर दुकान पे ना बोतल बिक रही थी, किरी किसी लेमन हाँ लेमन वाली, तो वो भाभी ने उस दिन ली थी तो मुझे भी अच्छी लगी अली को भी, तो हमने कल मंगाई, हालांकि मैं थोड़ी सी पी थी, उसके पीने के बाद मेरे इधर गले में सारी जगह में दर्द शुरू हो गई, खांसी भी आने लगी, और नदीम को, नदीम ने भी पी, उसको भी बुखार हो गया, तो मैंने भी पी थी, तो मेरे भी बस गले जुकाम भी, नाक भी बंद नहीं सो रहा, तो इस तरह मेरी भी तबीयत बड़ी ख़राब रही। अभी उठे हम नाश्ता किया, नाश्ता करके वही मैं इसके कमरे में आई थी, पूछ रही थी क्या पकाए आज, कल तो बड़ी ठंड थी रात को, पंखे से इतनी ठंड हो रही थी ना, हमें पंखे में ही सुकून था, एसी की ज़रूरत ही नहीं हुई लगाने की। तो बस यही पूछने आई हूँ क्या पकाए, क्या खाना है शाम को, की करिए, समझ नहीं आती रोज़ रोज़ बंदा क्या पकाता रहे। इधर सारा फ्रिज में से सामान निकाला जा रहा है, वो तो साफ नहीं है, मैं तो सारा खाना खा लेनी है। अच्छा मेरे वैसे साफ लग रही थी। हाँ, करके ना फिर दरवाजा हाँ। सही, ये सारे साफ करती है बच्चे, ऐसे वाले साफ हो जाएगी फिर एक दिन ऊपर ना कर। हाँ चलो सही है, साफ करो फिर दिखाते हैं आपको जब साफ हो जाएगी। अच्छा जी गाइस, घर के काम वगैरह करके तो फ्री हो गए थे, अभी अम्मी ने भी ये वाला कमरा साफ़ किया, तो इधर से भी सारी सफाइयाँ की है मैंने, तो इधर भी मैंने इधर ना टाकियाँ वगैरह लगाई हैं, फ्रिज साफ़ की है, पहले सफाई की फिर अभी टाकी लगाई, अभी फर्श सूख रहा है, सारा साफ सुथरा हो गया। और लीज़ा स्कूल जल्दी जाती है ना सुबह 6:30, 6:45, तो ये देखें फ्रिज भी साफ़ हो गई है, नीट एंड क्लीन, बाहर से भी सारी मैंने साफ की है, लग रही है ना साफ सुथरी। आज ये बाया पहन के गई थी, इसको मैंने इस्त्री करके दिया था रात को, तो अभी सोफे पे हमारे इसलिए कपड़े हैं क्योंकि अलमारी में ना बहुत ज़्यादा है, अलमारी हमारी छोटी है पड़ गई है, अब हमारे कपड़े ज़्यादा हो गए हैं, अब हमने ना अलमारी बनवानी है कमरे में, बस आप लोग दुआ करना जल्दी से अल्लाह कोई सबब बना दे। तो अभी बस मैं ना फ्रेश होने लगी, नहा के कपड़े पहनेंगे तो फिर आराम से नमाज वगैरह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। तो आज का दिन आगाज़ हो गया है, तो आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक। तो अभी मैं भी फ्री हुई थी फ्रेश वगैरह होके आराम से अपना, मैं कहा चले अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं व्लॉग। तो अभी यहाँ पे लीज़ा अपना काम कर रही है ट्यूशन का, और मैंने रखे हैं बाहर मसर पकने के लिए, हमने आज मसर चावल पकाने हैं, और आसमा यहाँ पे पका रही है चने की दाल और चावल,
तो अभी तो फिलहाल नाश्ता बना रही है अपने हस्बैंड का। आलू खोल गए। अच्छा, आलू वाला पराठा बना रही है ये आप नदीम के लिए, क्योंकि वो अभी उठा, कल इनको बुखार चढ़ गया था सबको, तो गले की वजह ना, गले की वजह से हो जाता है ना बुखार अक्सर सबको हो जाता है, मेरी लीजा को भी बहुत ज़्यादा ना, ज़्यादातर ना इसको गले की वजह से ही होता है बुखार, तो बाकी तो इतना नहीं होता, क्योंकि गला ख़राब हो ना अक्सर ना वो हो जाता है बुखार। तो मसर भी मैंने रख दिए हैं बस पकने के लिए, ये पका रही है आलू के पराठे नदीम के लिए और साथ चाय। फट गई रोटी, ये देखें रोटी फट गई है इसकी, तो एक इसने ये सादी बनाई है और एक ये आलू का पराठा, वो सारा नीचे लग गया, पहले वो काढ़ लेना उत्थे रोटी दे उत्ते पीठे इं उत्ते पा के ना चमचे ना जी दबा दे जुड़ जाएगी। तो इधर मेरे साथ ही मसर पक गया, वेट हिलने लग गया, बस मैं टाइम देखती हूँ इनको 7-8 मिनट चला के ना फिर खोलूँगी। हाँ पूरे 3 बज गए हैं। हाँ मेरा तो पहले पक लें। ये देखें लहसुन और अदरक ये मैंने ब्राउन कर लिया, अब मसर हो गए हैं हमारे, अब इसको हम डाउनलोड कर देंगे इसमें ऐसे, है पक रहे हैं ना ऐसे तड़का लगाते हैं। फ्राई पैन अगर आपने गंदा नहीं ना करना तो ऐसे इसमें तड़का लगा के ब्राउन करके पतीली में उठा लें। ये देखें अब मसर हो गए हैं हमारे रेडी, इसमें मैंने काटा हुआ है अदरक हरी मिर्चें और धनिया वो डालते हैं ये वाला, तो फिर ये रेडी हो जाएगा। मेरी गैस इधर आसमान ने भी धनिया काट लिया और बस प्रेशर दो रही है रखने लगी है हांडी अपनी, मेरी तो रेडी हो गई है, मैंने धनिया मिर्चें भी डाल दी हैं, अब बस इसको ढकना दे के तो बंद करके रख देंगे, कमरे में ले जाते हैं। उनकी चावल का तड़का, प्याज तड़के वास्ते चौलों के तड़के वाले चौल पकाने। अच्छा सही है जी, इधर आसमान रख दी है दाल चने की और हल्की आंच पे दूध पर दूध रखा हुआ मैंने भी, तो लहसुन अदरक इसने भी काट लिया, अदरक ले लेना सी। चलो सही है, बस लीजा भी काम कर रही है, थोड़ा सा रह गया फिर इसने 4 बजे चले जाना ट्यूशन, जो घर के लिए मिलता ना काम करने के लिए वो कर रही है, याद कर करके ना फिर लिख रही है अपने रजिस्टर पे। तो बस सुबह इसका आखिरी पेपर है, कल ना होना नहीं था, वो दाता साहब के मेले की छुट्टी आ गई थी ना बीच में, इसीलिए वो फिर पेपर जो है ना इसका कल होना था, आज जो जुम्मा है ना तो आज इसके पेपर ख़त्म हो गए, बस वो जो पीछे रह गया ना वो वाला पेपर इन्होंने ना कल देना है, कल हफ्ता है ना तो कल देंगे, तो नहीं तो इनको कल छुट्टी होनी थी, तो कोई बात नहीं पेपर है वो तो देना ही देना है, आगे अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, सारे बच्चों को अल्लाह कामयाब करे जो जो पढ़ रहे हैं, तो पढ़े हैं गाइस बच्चे पढ़े हैं, काफ़ी लोरियों ने उर्दू की माँ बहन एक कर दिया गाइस पढ़े हैं, हम किधर जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी उर्दू है। काफ़ी लोग अंदरून शहर में ना लोग इस तरह बोलते हैं उर्दू। तो गाइस बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, तो हमने कहा अब हम ना चावल वगैरह भी बना लें साथ ही फ्री हो जाए करके, मैंने मसर बनाए थे तो फिर आसमान रख दी दाल चढ़ा दी, अभी इसने प्रेशर में से निकाल लिया, हम ये पक रही है अभी इसको तड़का लगाएगी, पहले ये ज़रा गाढ़ी हो जाए ना, ये ना खड़ी खड़ी है अभी, कह रही थी खड़ी खड़ी पकानी है, अभी ये हो रही है साथ, इधर मैंने भी चावल रख दिए हैं पकने के लिए, बस उबाला आ गया पक रहे हैं, मसर तो मैंने आपको पता ही मैंने बना ली है पहले ही, इधर इसने भी तड़का लगाने के लिए रखा है अदरक और लहसुन काटा है और साथ में इसने ये प्याज और खीरा काटा है सलाद के लिए दाल चावलों के साथ, और बादल आया था बहुत ज़्यादा तेज़ दोपहर को वो भी चला गया, हमने कहा था पता नहीं बारिश होगी लेकिन चला गया बादल, ठंडा हो गया था, हवा भी ठंडी थी और ना
रात को तो हम ऐसे ही पंखे में भी चादरें लेके सोए थे, इतनी ठंडा तो ठंडक हो गई थी, हवा चल रही थी ना, तो फिर यहाँ से हवा अंदर भी आ रही थी, तो मैं ऐसे दरवाज़ा खोल के फिर ऐसे पर्दा भी कर लिया, तो ठंडा हो गया था कमरे ना, सबके ठंडे हो गए और एसी सबके बंद हो गए हैं, शुक्र किया अल्लाह ताला का कि अब अगले महीने थोड़ा ज़रा सुकून होगा बिल की वजह से। जी गाइस, इधर वसीम ना फिल्म लगा के बैठे हैं और ये हमारे चावल रेडी हो गए थे, मसर चावल बड़े मज़े के बने हैं, करारे करारे। कौन सी फिल्म देख रहे हो? वार्निंग, वार्निंग टू अभी आई है ये ना, पहले इन्होंने पिछली सर्दियों में देखी थी वार्निंग वन, तो उन्होंने कहा था अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा, तो अब आया ये है ना, पूरे 2 घंटे की, वो 1 घंटे की थी, ये 2 घंटे की है। अच्छा चलो सही है, चले हम आगे ऊपर, अभी वसीम जो है ना वो टंकी खोलने लगे, और हमारा गुलाब का फूल अभी भी आज खिला हुआ है। कहाँ चले गए हो, कहाँ हो, क्या कर रहे हो? ये लो पकड़ो, रेंच भी आ गया है ऊपर, वेख्या नहीं आ टाकियाँ तो लानियाँ सी अवलियाँ, इधर देखो वो पैप कढ़ो तो इतों जरा टंकी के अंदर गया वो कर दो बस, ए नहीं खुलना, मैं तुम दसनी हाँ। चलें जी, इधर होने लगा है काम, टंकी खुल गई है हमारी, तो अब देखते हैं क्या मसला है इसको, उल्टी तरफ से ए कितना पानी निकला सारा, ये पता नहीं नीचे से कहाँ है, छोड़ो जरा यही टाकेगा ना, हाँ वजन दे नाल फिर लीक होती है, नहीं ये उल्टी साइड से यहाँ पे टक है हल्का सा ना, तरेड़ जी है, हाँ तो इधर है, इधर कोई मैजिक वगैरह लगेगी, अब देखें पता नहीं क्या होएगा, दो होंगे फिर, अब देखें क्या होता है, ये देखिए इधर जो पानी था वो सारा इधर गिर गया, तो अब इसी बहाने ये साफ भी हो जाएगी, और इसको ट्यूब वगैरह भी लगाएंगे जो जोड़ने वाली होती हैं, अभी उससे गुजारा करेंगे, फिर महीने एक तक ना फिर हम शायद नई ले लें, क्योंकि ये नई लेनी पड़ेगी, इसका जो नीचे वाला हिस्सा ना बहुत पतला हो गया, घिस गया, ये देखें बहुत ज़्यादा पतला हो गया, हाँ कस गई आवे ना, तो इतने भी लेना है गया। आ गई हाँ, चलो ऐ हूँ खुश्क करोगे ना, पता चल गया ना हूँ इतने हूँ की लगेगा की नहीं लगेगा, मोरी नज़र आ गई है जी टंकी की, अब देखो क्या करते हैं, दिखा हाँ छोटी सी है ये, चलो लोड पैंदा, हाँ लोड पैंदा सी तो फिर ज़्यादा हो जाता ना इस तरह वजन दे ना, ता ही फिर लीक होने लग जाती सी, हाँ उल्टे पास इस तरह करके वेखोगे ना तो रोशनी नज़र आएगी इधरों भी फिर, अच्छा चलो सही, अब देखो आएगी तुहानू, तो नज़र भी वीक है ना, तू वे आसमा है, चलो सही, चलो चल देखते हैं अब हम की होना। चल जी, यहाँ पे टंकी में ना दो हल्के हल्के से सुराख नज़र आए हैं, एक तो यहाँ पर है ये वाला, और एक कहाँ पर था, एक पता नहीं यहाँ पे है, एक इसी, हाँ एक ये इधर है और एक वो उधर है, तो और बाकी इधर जो इनकी वाशलें वगैरह जो थी वो लीक हुई हुई हैं इधर से, ये खोल रहे हैं, अब खोलेंगे तो साफ़ करेंगे पता चलेगा, इधर फेरते हैं वेपर पानी जो टंकी से निकला है, तो फिर देखते हैं क्या बनता क्या नहीं, और वो मस्जिद के पास देखें ज़रा सूरज ग्रूब होने के निशानात, अखाँ क्यों कड़न दे, इन्नी नहीं किया जल्दी निकल आई सी है ना, हाँ हाँ एल्बो की मिले सी, एल की ना निकली सी, तो ये देखें ये दो मजदूर हैं जिन्होंने काम किया है, और
ਠਹਿਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਲਾ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਲੇ ਕੋਈ ਬਟਨ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਾ ਸਿਰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਚੁੱਲੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵਸੀਮ ਅੱਛਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਗੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਉੱਟ ਗਏ ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅੱਕ ਗਏ ਨੇ ਅੱਕ ਗਏ ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ਼ਾਂਦਾ ਪੀਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਚਲ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈ ਅਬ ਹਮ ਆਪਣਾ ਵਲੋਗ ਯਹੀਂ ਪੇ ਐਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਲੋਗ ਬਣਾਏਗੇ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਵਲੋਗ ਚਲਾਇਆ ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਲੋਗੋ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਤੋ ਫਿਰ ਨਿਆ ਵਲੋਗ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ ਤੋ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਏਗੇ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਏਡੀ ਦੂਰ 300 ਰੁਪਈਆ ਕਿਰਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ 300 ਜਾਣਾ 300 ਆਉਣਾ ਚਲੋ ਸਹੀ ਆ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਾਂ ਨਦੀਮ ਭਾਈ ਐਸੇ ਹੀ ਜਾਏਗੇ ਬਸ ਨਾਲਾ ਇਨਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਰਹੇਗਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸ਼ਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਲਨ ਕੀ ਲਾਏਗੇ ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਾਲਾ ਕੋਲਾ ਵੀ ਲਾਏਗੇ ਹੈਂਡਸਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ